YouTube तो यूज करते ही होगे। आप वीडियोस देखते हो, पूरा देखते हो। कुछ वीडियोस एंटरटेनिंग होती हैं, जिन्हें आप अपने मर्जी से पूरा देख लेते हो, और कुछ नहीं होती जिन्हें हम बोरिंग कहते या मानते भी हैं। Like, अगर आप स्टूडेंट हो, आपने YouTube को अपना स्टडी रूम बना रखा है, तो आप स्टडी मटेरियल्स, लर्निंग्स भी YouTube से देखते होगे, या फिर कोई लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेकिन जब बात आती है किताबों की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप YouTube पे उसको सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो। सो बाय नॉट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। YouTube पर आपका स्टडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा और इजी होने वाला है। और होगा ये कि आप वीडियो भी पूरा देख लोगे, आप इन्फॉर्मेशन भी पूरा कलेक्ट कर लोगे, लेकिन जल्द से जल्द। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लिखना चाहते हैं। वीडियो का लेंथ है 18.38 सेकंड। हम इसे पूरा ही देख लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसे 18.38 सेकंड तक ही देखें। सबसे पहले तो वीडियो को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया वीडियो करने वाला हूं। भाई जिसका यूज करके अभी स्पीड है ये, तो अब आपको सेटिंग पे चलना है। यहाँ पे आपको प्लेबैक स्पीड नॉर्मल दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको सिंपली 1.25 या फिर 1.5 या फिर 1.75 2x तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 1.5 पे क्लिक करता हूँ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ, अभी स्पीड है ये। तो देखा आपने, अगर आप थोड़ा और स्पीड बढ़ा दोगे तो दोस्तों आप देख सकोगे कि आपका वीडियो काफी ज्यादा स्पीड से चलने लगेगा। और आपको तो दोस्तों देखा आपने कि वीडियो कितनी स्पीड से चलने लगी है, और वो लंबी सी वीडियो आपको लॉन्ग टाइम तक देखने की जरूरत नहीं होगी। इस ट्रिक से आपने एक लंबी वीडियो शॉर्ट में देख ली, साथ में कुछ सीख भी लिया, देख भी लिया, सुन भी लिया। जैसे कि दोस्तों आप 2x देख सकते हो। अब 2x में आप कर दोगे तो वीडियो आपकी काफी स्पीड में चलने लगेगी। मतलब अगर आप 18 मिनट का वीडियो देख रहे हो, तो वो 9 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी तभी है जब आपको समझ में आए। अब दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि ये ट्रिकी फीचर किस तरह से आपके काम और कितना काम आ सकती है। लेकिन अब जानते हैं इस ट्रिक के कुछ डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक और प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे कि ये फीचर आपके लिए एक नेगेटिव फीचर साबित हो सकती है। सबसे पहले तो दोस्तों ये फीचर उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि यूट्यूबर्स हैं। अगर आपने 10 मिनट के कोई वीडियो बनाई है, तो दोस्तों 10 मिनट जब आप फुल देखते थे तो आपका 10 मिनट ही काउंट होता था। लेकिन जब आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस देखोगे, वीडियो वॉचिंग ड्यूरेशन कम आएगा, जिससे कि आपका वॉच टाइम भी कम से कम काउंट होगा। तो इसलिए मैं कह देता हूँ कि ये खुराफात मेरे वीडियो में नहीं अप्लाई करना, क्योंकि मैं काफी फास्ट बोलता हूँ और वीडियो लंबी इसीलिए होती है क्योंकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा पॉइंट, आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, आपने फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर दी, आपने सोचा कि कम से कम टाइम में पूरा वीडियो देख लूंगा, तो वीडियो ज्यादा देर तक देखनी नहीं पड़ेगी, टाइम भी सेव होगा, वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये फीचर आपके लिए तभी काम करेगी जब आप एक एक्यूरेट स्पीड में अपनी वीडियो को चलाओगे। मतलब जिस स्पीड में आपको वीडियो या वीडियो में क्या कहा जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तभी ये फीचर आपके लिए टाइम सेविंग और यूजफुल रहेगी। नहीं तो अगर आप पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हो, तो दोस्तों वीडियो तो दर धरा के चलने लगेगी, अपना टाइम बचाते हुए वीडियो खत्म भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फास्ट बोलने की वजह से अगर आपको उसका लैंग्वेज भी समझ में नहीं आया, वो क्या बोल रहा है वही नहीं समझ में आया, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, बस वीडियो चलेगी और खत्म हो जाएगी। सो आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों आप थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा सकते हो, तब तक बढ़ाते रह सकते हो जब तक आपको लग रहा है कि हाँ इस स्पीड तक मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ वीडियो को, विजुअल्स एंड ऑडियो को। सो ये दोनों चीजें अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो और इनका पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि YouTube से रिलेटेड ये ट्रिक आपके YouTube एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इजी, एंटरटेनिंग और टाइम सेविंग बनाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।